मेरा ये मेरा बेटा है 14 साल का, इसका इलाज मैंने पहले भी बहुत कराया है, ये बोलता नहीं है पूरा नहीं पड़ा। फिर मुझे इनके बारे में पहले टीवी पे ऐड देखा था मैंने, उसको देख के मैंने इन लोगों को फ़ोन किया, फिर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे यूट्यूब पर और फिर मैं यहाँ पर आई। तो मुझे यहाँ पर आके मुझे ऐसा लगा कि शायद पहले मुझे यहाँ का पता मिल जाता। मेरा बेटा शायद पहले ठीक हो जाता। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के सारे स्टाफ डॉक्टर्स सब बहुत अच्छे हैं, सारे हेल्पफुल हैं, और मैं यहाँ से जाने के बाद और भी लोगों को भेजूँगी जो मेरे जानकारी में हैं कि भाई यहाँ पे एक बार जरूर जाओ बच्चों को लेकर। यहाँ आए और उनको उससे फर्क पड़ा था कुछ, ये अभी 4 साल में है और मैं अभी तक तो नहीं सुनता था, आज फर्स्ट बार इनको लेके आया हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो ये 100% बोलूँगा कि मेरा बच्चा यहाँ से पूरी तरह से सुनने और बोलने लगा। नहीं, मुझे अच्छा लगा ट्रीटमेंट करवा के, क्योंकि मैं जब सुना और विश्वास है तो ही आया भाई। जब सारे रास्ते बंद कर देते हैं तो भगवान कोई रास्ता ही रखता है, हो सकता है यही रास्ता हमारे लिए हो। दीपशिखा गहलोत, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेटा थोड़ा रिस्पॉन्स देने लगा है। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो एक बार यहाँ पे जरूर लेके आए। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे देखा था और टीवी पे एड चल रहा था, उसके कारण मैंने ये मोबाइल पे ये करके देखा। मैंने अभी तो अच्छा लग रहा है, रिएक्शन काफ़ी इम्प्रूव है, काफ़ी इम्प्रूव जी, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट लगा मुझे। पहले मैं जब स्टार्टिंग में इन्होंने बताया तो काफ़ी कम सुना रहा था, जब इलाज करने के बाद तुरंत 2 घंटे बाद जब इन्होंने वापस से बताया तो काफ़ी अच्छा सुनने लगे और बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करना है। मेरा अंकल है, उनको भी प्रॉब्लम है, तो शायद मैं कोशिश करूँ वो आएंगे।